चलिए जी, नेक्स्ट पोइम ऑफ टेड ह्यूज, दैट इज फुल मून एंड लिटिल फ्राइडा. फुल मून एंड लिटिल फ्राइडा, दैट इज पोइम बाय टेड ह्यूज इन माय बुक पेज नंबर 92. एंड देयर इज टेक्स्ट, लिटिल फ्राइडा इट्स वेरी लिटिल पोइम आई विल से. ठीक है, और इसमें भी टेड ह्यूज ने अपने जस्ट एक छोटे से एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया है. इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वाली कोई बात नहीं है. जस्ट एक छोटा सा एक्सपीरियंस है उसके, उसने जो अपनी बेटी के साथ टाइम गुजारा था. ठीक है, फ्राइडा जो है वो उसकी डॉटर है. ठीक है, सिल्विया ब्लैथ एंड टेड ह्यूज की. तो कहते हैं फुल मून एंड लिटिल फ्राइडा, और ये एक पेस्टोरल इमेजरी इसने इसके अंदर दिखाई है किसी रूरल एरिए में. अ कूल स्मॉल इवनिंग श्रंक टू अ डॉग बार्क एंड द क्लैंक ऑफ अ बकेट एंड यू टेक इट एंड यू लिसनिंग अ स्पाइडर्स वेब टेंस फॉर अ ड्यूज टच. कि वो कहता है अ कूल स्मॉल इवनिंग, के एक ठंडी शाम थी, यानी कि इवनिंग का वक्त है. श्रंक मीन्स सुकड़ना. ठीक है, श्रिंक से निकला है श्रंक. तो वो कहता है कि एक इवनिंग का वक्त है, और इवनिंग जो है वो श्रंक हो रही है, यानी कि सूरज गरूब होने का वक्त है. टू अ डॉग बार्क, और एक डॉग की बार्किंग की आवाज़ सुनाई दे रही है. एंड द क्लैंक ऑफ अ बकेट, क्लैंक मीन्स साउंड. ठीक है, साउंड ऑफ अ बकेट, यानी कि इट्स मीन के हमें ये मालूम होता है कि शाम का वक्त है. ठीक है, और एक डॉग की आवाज़ सुनाई दे रही है बार्किंग. इट्स मीन के हमें यही एहसास होता है कि किसी गांव का एरिया है कोई. ठीक है ना, एंड क्लैंक ऑफ अ बकेट, और वेल के अंदर. अब उसने वेल का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन ये ऑब्वियस है कि बकेट के उसके वेल के अंदर गिरने की आवाज़ सुनाई दी है. एंड यू लिसनिंग, यू मीन्स वो अपनी बेटी को कह रहा है. एंड यू यानी कि फ्राइडा, और फ्राइडा तुम सुनती हो, सुन रही हो, अ स्पाइडर्स वेब. स्पाइडर्स वेब टेंस फॉर अ ड्यूज टच. और तुम सुनती हो कि स्पाइडर का जो स्पाइडर एक जाला नहीं बना लेते, वेब जाला. हाँ, स्पाइडर्स का जो जाला बना हुआ है, वेब बना हुआ है, टेंस, वो परेशान है. स्पाइडर्स का जाला जो बना हुआ है वो परेशान है. किस बात के लिए? फॉर द ड्यूज टच, के कहीं शबनम का कतरा उनके ऊपर गिर के उनके जाले को खराब ना कर दे. ठीक है, आई समझ? अ पेल लिफ्टेड स्टिल एंड ड्रिमिंग मिरर, कहता है अ पेल मीन्स भी बकेट है, कि बकेट जो है वो लिफ्ट कर रही है. लिफ्टेड स्टिल अभी तक लिफ्ट कर रही है उसी वेल के अंदर. एंड ड्रिमिंग मिरर, और वो पानी से भरी हुई है. ब्रिमिंग का मीन्स यहाँ पे वाटर से फिल ऑफ वाटर नहीं, वो वेल के अंदर होती है ना, फिर उसको बाहर पानी भर के बाहर निकालती है. हाँ, उसी बाल्टी को है जो लटक रही होती है वेल के अंदर, वो पानी से भरी हुई है. एंड मिरर टू टेम्प्ट अ फर्स्ट स्टार टू अ ट्रिमर. अच्छा, ट्रिमर का मतलब, ट्रिमर जो है वो ट्रेम्बलिंग से ही वर्ड निकला है, कपकपाना. और वो कहता है कि वेल मौजूद है. ठीक है, वेल के अंदर जो बाल्टी मौजूद है, वो बाल्टी जो है वो लटक रही है, यानी कि वेल के सिरे पे वो लटक रही है, फुल ऑफ वाटर है. और उसके अंदर जिस तरह वो आप सीमल से नहीं कहता था कि मैंने देखा तो मुझे अपना इमेज दिखाई दिया. ठीक है, सेम लाइक दैट टेड ह्यूज ये कह रहा है कि उस फिल ऑफ वाटर जो बकेट है उसके अंदर एक स्टार जो है उसका इमेज दिखाई दे रहा है. ठीक है ना, ट्रेम्बलिंग मीन्स वो कपकपाना. इट्स मीन के वो कहना चाह रहा है कि बाल्टी जो है ना वो ऐसे थोड़ी सी डगमगा रही होगी ना, इस वो उस पे सिचुएशन में होगी, तो उसके अंदर जो इमेज नजर आ रहा है वो भी कपकपाता हुआ इमेज नजर आ रहा है. ठीक है, वाटर के अंदर, ये वो कहना चाह रहा है. काउज आर गोइंग होम इन द लेन देयर, काउज जो है वो गली में, लेन मीन्स गली में जा रही हैं अपने घरों की तरफ. लूपिंग द हेजेस विद देयर वॉर्म रेड्स ऑफ ब्रेथ. हाँ, तो लूपिंग मीन्स नॉइस, और वो शोर करती हुई जा रही हैं द लेजेस.
हेजेस विद देयर वॉर्म रेड्स ऑफ ब्रेथ। अच्छा, रेथ ऑफ ब्रेथ। अच्छा, रेथ का मतलब होता है हाला, हाला बनाना। हाले, हाला का मतलब होता है रेथ ऑफ ब्रेथ, यानी कि अपने अपने जो आप सांस लेते हो, ठीक है, उससे एक हाला बनता है। जैसे सर्दियों के अंदर, सर्दियों में जब हम ऐसे करते हैं ना, तो उसमें वो उसको हाला कहते हैं, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि हेजेस का मतलब होता है रोज, यानी रो की शक्ल में रोज बनाए हुए। यानी वो कहना ये चाहता है कि काउस जो हैं वो बहुत सारी इकट्ठी होकर गली में से गुजर रही हैं, अपने घर की तरफ जा रही हैं, शोर करती हुई, बोलती हुई और रोज बनाती हुई वो जा रही हैं, विद देयर वॉर्म रेथ ऑफ ब्रेथ, अपनी गर्म सांस के हाले के साथ। यानी कि जब वो, यानी वो इट्स मीन, हमें ये यहाँ से इमेजरी जहन में आती है कि सर्दी का वक्त है, ठीक है, सर्दी है, तो वो जो जब वो इकट्ठे जा रही हैं, तो जब वो इकट्ठे गुजर रही हैं तो उनके मुंह से भी वो भाप निकल रही है ना, काउस के मुंह से, तो उनके वो एक बड़ा सा हाला बन रहा है उनके ब्रेथ की वजह से। अ डार्क रिवर ऑफ ब्लड, ये उसने जो है ना उस उनके लिए वर्ड यूज़ किया है, काउस के लिए। इट्स मीन के वो काउस जो हैं वो ब्राउनिश हैं, ठीक है। तो उसने कह दिया उनको कि जब वो इकट्ठे चल रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे डार्क रिवर ऑफ ब्लड हो, ठीक है, रेडिश रेडिश उनका कलर होता है ना काउस का, तो वो डार्क रिवर ऑफ ब्लड की तरह लग रही हैं। मैनी बाउल्डर्स बैलेंसिंग अनस्प्लिट मिल्क। अच्छा, मैनी बोल्डर्स बैलेंसिंग अनस्पिल्ड मिल्क। अब ये उसने उनकी फिजिकल इमेजरी यूज़ कर दी है कि वो अपनी अनस्पिल्ड का मतलब होता है कि ना बहने देना, ठीक है, यानी वो जब अपने वो इस तरह से जा रही हैं कि ऐसे महसूस होता है कि वो उनके अंदर इतना बैलेंस मौजूद है उनकी बॉडी में कि वो मिल्क को बहने नहीं देती, ठीक है। उसने क्लियर उसको वो इमेजरी उसकी यूज़ कर दी है। मून यू क्राई सडनली, फिर वो कहता है कि फ्राइडा तुमने सडनली चिल्लाई तुम, मून मून मून। द मून हैज स्टेप बैक लाइक एन आर्टिस्ट गेजिंग अमेज्ड एट द वर्क, द पॉइंट्स एट हिम अमेज्ड। और फिर वो कहता है कि मून, जब तुम चिल्लाई मून मून, तो फिर यूँ महसूस हुआ कि जैसे चांद ने पीछे मुड़कर देखा हो, लाइक एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट की तरह गेजिंग, और वो घूरने लगा अमेज्ड एट द वर्क, उस काम की तरफ, द पॉइंट्स एट हिम अमेज्ड, जिसको देखने में उससे मज़ा मिला। यानी कि सिंपल वे में ये कहना चाहता है कि जब भी जैसे ही तुम मून मून की लाई, तो फिर मून जो है एक आर्टिस्ट की तरह अमेजिंगली तुम्हारी तरफ घूरने लगा, ठीक है, देखने लगा। तो इट्स मीन के हम ये कहेंगे कि उसने एक रूरल इमेजरी दिखाई है, और एट द सेम टाइम उसने ओवरऑल सिर्फ ब्यूटी ऑफ नेचर दिखाया है, ठीक है ना, उसमें मून आ गया है, काउस की इमेजरी आ गई है, ठीक है, वो बकेट, वेल इन अ बकेट, इसकी आ गई है। तो छोटी सी जो चीज है पोइम, इसको इतना रख लूँ।